एज यू ऑल नो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकेंड स्पॉट राउंड के अलॉटमेंट्स आ चुके हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो फर्स्ट स्पॉट राउंड हुआ था तो उसमें ऑल दो बहुत सारे अलॉटमेंट्स आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो 4000 बच्चे थे सिर्फ वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया है. सो अभी भी देयर आर लॉट ऑफ सीट्स व्हिच आर अवेलेबल, 16,000 के आसपास अभी भी आपकी सीट्स अवेलेबिलिटी है. तो आप प्लीज इसमें डिले ना करें, आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने के. तो आप प्लीज अपने जो भी कॉलेजेस आपको अलॉट हुए हैं उनको एक्सेप्ट करिए. एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आप क्वेरी वाले ऑप्शन पे जा करके चेक कर लिएगा कि आपके कॉलेज ने कोई क्वेरी तो रेज नहीं करी है. फिर आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप फीस पे कर दीजिएगा. अगर इन तीनों प्रोसेस में से आप एक भी प्रोसेस करते हैं मिस तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आज और कल शाम 5 बजे से पहले आपके पास टाइम है कि आप अपनी सीट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो. फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फीस पेमेंट होगा. सो फटाफट जाइए, आपको जो भी सीट मिली है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप CSAS पोर्टल के बाहर हो जाएंगे. और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी डाउट के लिए आप मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो. आई विल बी आंसरिंग यू. थैंक यू, बाय एंड टेक केयर.